फाइनली जेट 2022 का एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है और कल से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ। और इस वीडियो में एक डेमो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके हम देखेंगे क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा और टोटल प्रोसीड्योर। पहले आप जाना FTII का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर 2022-23 इज ओपन नाउ, क्लिक ऑन इट। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा जो लिंक है वो लिंक आ जाएगा, लिंक क्लिक करते ही साइट है वो साइट आ जाएगा। पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स हुआ है 3 फरवरी से और ये चलेगा 4 मार्च तक। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 10 मार्च को और एग्जाम है March 18th and 19th। जो रिजल्ट है वो टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आ जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। फ्रेश कैंडिडेट मतलब सभी फ्रेश कैंडिडेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लॉगिन करना। फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, री एंटर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कैटेगरी में आपका है जनरल, जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिलेयर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे जो एंट्री होगा ये एंट्री बाद में आपका करेक्शंस नहीं होगा, तो यू शुड डू इट केयरफुल्ली। ये जो सिलेक्शन, ये जो टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस सबके लिए सेम ही है, बस अगर SC ST OBC है और जनरल EWS है तो इनके लिए बाद में आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये एक चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके साथ जो एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ा डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और मेल और फीमेल। फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नो यस अकॉर्डिंगली जो आपका है। ईमेल आईडी आप डालना, री एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये पासवर्ड क्रिएट करना होगा, एक अपर केस होगा एक लोअर केस, 1 नंबर 1 to 9, 1 special character मतलब @$sign/ और exclamatory sign etc। इसके बाद हैव यू रेड और अंडरस्टूड द एडमिशन गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एडमिशन क्राइटेरिया, जो आपने एडमिशन गाइडलाइंस पढ़ा क्या, हैव यू अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा वो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अगर हाँ है तो करिए। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही। सो यस यस, डाटा एंटर्ड यहाँ पे नोट किया है, डाटा एंटर्ड बाई यू इन दिस फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड और मॉडिफाइड लेटर स्टेज, बाद में ये चेंज नहीं हो सकते, सो प्लीज श्योर बिफोर सबमिटिंग। तो आपने भरने के बाद एक बार रिव्यू कर लेना इसको। ऑल एंट्रीज इन द एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फैक्चुअली करेक्ट एंड एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। सबमिट करने के पहले एक बार आप रिव्यू कर लेना, रिव्यू करने के बाद आप सबमिट करना। प्रोसीड टू लॉगिन, आप सेव कर सकते हैं आपके विंडो पे, प्रोसीड टू लॉगिन, या पे ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका आ गया है एक्शन और स्टेटस, यहाँ आपको पता चलेगा कौन सी स्टेप आपने फॉलो किया, कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गया, कौन सी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। चॉइस इज द एग्जाम सिटी, आपके घर के पास पहला प्रेफरेंस वही होगा, दूसरी प्रेफरेंस वो छोड़ के दूसरा कोई जो लोकेशन है आसपास का वो कर देना। तो मेरे लिए ये है न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली कर रहा हूँ और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट होगा जयपुर, क्योंकि जयपुर पास में है दिल्ली की। नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी आ गया है, इसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये अर्ली स्टेज जो था वहाँ से उठा लिया, ये आ गया है। जेंडर, मेल, नेशनलिटी इंडियन, फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे दोबारा नाम मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, सिटी, स्टेट और यूटी,
पिन कोड, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप दे सक देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, जहाँ पे जहाँ पे स्टार है, रेड स्टार, ये मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही है। फ्रॉम व्हेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट FTII और SLFTII एडमिशन, कहाँ से आपको ये मिला है इसके बारे में आपको पता चला। फ्रेंड्स और रिलेटिव, FTII और SLFTII कैंपस, प्रॉस्पेक्टस, न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविजन, जहाँ से मिला है आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद ये नीचे जो नोट है, आई हैव आई डिक्लेयर, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के बाद, सेव करने के बाद आपको ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लिक हेयर टू फिल FTII क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स, किन स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन और डिग्री नेम, ये सेकेंडरी इन वेस्ट बंगाल, इसको माध्यमिक भी कहलाता है, सो हमने माध्यमिक भी डाल दिया। बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद मेन सब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये मेन सब्जेक्ट क्या लिखूँ, टेंथ में तो कोई मेन सब्जेक्ट होता नहीं है, सारे ही कॉमन सब्जेक्ट, सारे ही मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सारे डाल देना जितना जितना सब्जेक्ट है वहाँ पे। अगर आप पूरा लिखोगे तो वो जो स्पेस है वो जगह कम हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में लिखना होगा। PNG मतलब बंगाली, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, परसेंटेज ग्रेड मार्किंग जो सिस्टम है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज यू हैव गॉट इन योर 10th एग्जाम एंड डिवीजन। नेक्स्ट 10+2 हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, देन मेन सब्जेक्ट, देयर आर मस्ट बी सम मेन सब्जेक्ट इन योर सिलेबस, लाइक सम पीपल टेक आर्ट्स, सम साइंस, सम कॉमर्स, सो इट इज़ डिफरेंट, एंड देयर आर सम मेन सब्जेक्ट, लाइक फॉर माई केस इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंपल्सरी सब्जेक्ट बंगाली इंग्लिश, सो देन परसेंटेज इट इज ऑल्सो परसेंटेज 2008 एंड द परसेंटेज वॉज 74%, डिवीजन वॉज फर्स्ट डिवीजन। ग्रेजुएशन BTech, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट इज अदर्स, नॉट आर्ट्स एंड साइंस, अदर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परसेंटेज नॉट, इट वॉज इन CGPA एंड पास्ट एग्जाम स्टेटस 2013 एंड द CGPA वॉज 7.7, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन। आई हैव ऑल्सो डन डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, फाइन आर्ट्स, परसेंटेज एंड यस इट वॉज परसेंटेज एंड आई 2019 गॉट 63% फर्स्ट डिवीजन। अगर आपने कुछ ट्रेनिंग किया होगा तो उसके डिटेल्स यहाँ पे डालना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप इधर भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर पर्टिकुलर डिसिप्लिन। इसके बाद अब आ जाना, अगर ये सबमिट होने के बाद सेव क्वालिफिकेशन बैक और ये हो गया आपका कंप्लीट, उसके बाद आपको करना पड़ेगा अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ का 1 सितंबर 2022 के बाद फोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होगा और मैक्सिमम साइज होगा 100 KB, 100 KB। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, सेव एंड प्रोसीड। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। अपलोड डेट ऑफ बर्थ और 10 सर्टिफिकेट, 10+2 का फाइनल मार्क्स और हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा का फाइनल मार्कशीट, डिप्लोमा का फाइनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू डू हैव, देन एडिशनल डॉक्यूमेंट इफ एनी
एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट टू, दो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करेंगे या फिर जो डॉक्यूमेंट साइज 300 KB से कम होगा और PDF फॉर्मेट में होगा। सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के पहले ये ग्रीन रहेगा, सबमिट करने के बाद ये ब्लू हो जाएगा और ये साइड में जो स्कैन PDF है जो है वो आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद। अगर आपका डॉक्यूमेंट साइज 300 KB से ज़्यादा है तो आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं आईलव PDF पे जाके, वहाँ पे कॉम्प्रेस PDF अपलोड करना। अपलोड करने के बाद एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन तो हो जाएगा, वो अपलोड करने के बाद कॉम्प्रेस सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जेट नाम का एक फोल्डर बनाना, उसके अंदर सेव करना। उसके बाद अगर आप कंप्लीट करोगे, अगर आप अपलोड करोगे तो आपका थोड़ा कॉन्फ्यूशन और थोड़ा परेशानी कम हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि OBC सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए OBC इन सेल नॉन क्लेम लेयर सर्टिफिकेट और जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 4th मार्च 2022 के बाद। अगर उसके पहले का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो यू मस्ट बी कंसीडर दिस एंड टेक केयर ऑफ दिस। उसके बाद आप सबमिट कर देना। प्रोसीड टू सिलेक्ट कोर्स, अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो ग्रुप तीन ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और फीस है आपका जनरल के लिए फीस है 2000 एक कोर्स के लिए, फॉर एनी कोर्स SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600, दो सब्जेक्ट के लिए आपको 3000। और अगर तीन ग्रुप से आप तीन सब्जेक्ट चूज करें तो आपका 4000 फॉर जनरल, 1200 फॉर SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट हैं। ग्रुप ए में सब्जेक्ट है एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, डिज़ाइन एनिमेशन, सिनेमा, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, फिल्म एंड टेलीविजन, वेब सीरीज। ये है ग्रुप ए में, आप यहाँ से एक चूज कर सकते हैं। ग्रुप बी में आपका सब्जेक्ट है सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन। और ग्रुप सी में आपका सब्जेक्ट है सिनेमाटोग्राफी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, डायरेक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, एडिटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, साउंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, साउंड रिकॉर्डिंग एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग और राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। तो आप यह तीन ग्रुप से एक एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम एक सब्जेक्ट। इसके बाद हो गया आपका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट डन। इसके बाद बस आपको करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सो एक बार प्रीव्यू कर लेना, इसको सेव कर लेना, देखना। इसको देखने के बाद इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू प्रिंट और टू सेव योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद पेमेंट आएगा। पेमेंट आने के पहले आप डू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करना चाहते हैं, अपने एग्री कर रहे हैं कि ये एडमिशन गाइडलाइंस आपने देखा है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये बहुत बार 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 आ रहा है, ठीक है, करते हैं इसको सबमिट। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे। जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी फीस है यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।